हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल टॉयज गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे, असेंबल करेंगे मदर टच के इस कॉम्पैक्ट क्रेडल को। तो आप देखिए अंत तक इस वीडियो को पूरा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि असेंबल कैसे करना है और साथ ही क्वालिटी कैसी है ये भी मैं बताऊंगा एकदम विस्तार में। सो प्लीज़ अंत तक देखिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। सो हम ओपन करके देखते हैं अभी। सो आप देख रहे हो सबसे पहले ये झोली था जो क्रेडल में लगाना है वो हमने निकाल लिया है, एंड और भी क्या क्या पार्ट्स है सब निकाल लेता हूँ मैं। एंड ये मेन बॉडी है इसका। ओके सो अभी मैं पीवीसी जो है इसको अनरैप कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। सो उसके साथ में दो क्लिप थे जो मैंने रख दिए हैं अभी। ओके सो इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। सो ये ओपन कर लिया है, इसको मैं पहले ज़मीन पर रख देता हूँ एंड आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ असेंबल कैसे करना है। सो ये जो देख रहे हो आप, ये मेन रॉड है जो एक ब्रिज रॉड बोलते हैं उसको, ये वाला रॉड जो है। एंड इसको कैसे ओपन करना है, दोनों एंड को जो है स्ट्रेच कर लेना है। अब ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल वगैरह कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो कुशन जो था वो मैंने साइड में रख दिया अभी। एंड ये वाला पार्ट जो है ये जस्ट इसके ऊपर डालना है, बेस है, इसको बेस कहते हैं। सो इसके ऊपर आपको कुशन डालना है बाद में। तो इस तरीके का कुछ उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। और ये जो आप रॉड देख रहे हो इसको आपको निकालना है और वहीं पे जो झोली जिसको मैं बोल रहा हूँ झोली को आपको वहाँ पर लगा देना है। सो ये जो आप देख रहे हो रेड कलर का क्लिप है उससे आप जो है फिक्स कर सकते हो यहाँ पर। सो ये जो रेड कलर का क्लिप है उसको दोनों बाजू से फिक्स कर लेना है। फर्स्ट एंड से कर लिया, यहाँ से आपको प्रॉपरली विजिबल होगा कि कैसे करना है। सो आप इसको जो है फिक्स कर सकते हो। सो फर्स्ट साइड से ये फिक्स हो गया एंड सेकंड साइड से भी मैं आपको करके बता देता हूँ यहाँ पर। सो ये हमने सेकंड साइड से भी कर लिया। अभी ये जो है मूव नहीं होगा, बिल्कुल स्टेबल है यहाँ पे और लाइक वो हैंग नहीं होगा जो झूमता है उस तरीके से। अभी यहाँ पे जो है मेन रॉड लगाना है आपको ताकि वो पूरी तरीके से स्टेबल हो जाए, ये ब्रिज रॉड इसको कहते हैं। सो ये आपको फिक्स कर लेना है अभी। सो ऊपर जस्ट है एक आपको ओपनिंग स्क्रू दिखेगा, तो उसी में आपको डालना है, नेल दिखेगा। और उसके बाद आपको जो रेड कलर के इसके अंदर जो है कैप दिखाई देंगे, सो वो उसको बाद में फिक्स कर लेना है। सो वो कैप को आप ऊपर से क्या करोगे, रोल करोगे। तो ये है वो रेड कलर के कैप। सो इसको हम क्या करेंगे अभी, रोटेट करके उसको फिक्स कर देंगे यहाँ पे। तो दोनों साइड से ये हो जाएगा एंड ये जो मेन बेस है ये तैयार है आपके सामने अभी। और अभी इसको कैसे डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमने फिक्स कर लिया, पहले बना दिया। अभी झोली को हम जो है यहाँ पर ओपन करेंगे। सो ये ओपन हो गया और अभी जो बेस है उसको आपको झोली के अंदर डालना होगा। इस तरीके से आप डाल सकते हो। एंड अभी इसको जस्ट क्या करना है, प्रॉपरली डालने के बाद आपको अटैच कर देना है क्रेडल में। सो एक बात मैं आपको बता दूँ, काफ़ी कन्वीनियंट है बच्चे के लिए, स्मूथ और कंफर्टेबल भी है। उसके अंदर आप कुशन भी डाल सकते हो अलग से। सो अभी आपको यहाँ पे दो सेफ्टी दी गई है, एक तो आप रॉड से डायरेक्ट अटैच कर सकते हो एंड बेल्ट से भी इसको लगा सकते हो। तो मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको जॉइंट करके बता देता हूँ कि कैसे करना है। सो क्रेडल में जो रॉड है उसको हम निकाल लेंगे और जो झोली में साइड में से आपको एक लाइक स्पेस दिखेगा वहाँ पे आपको रॉड डाल देना है, दोनों एंड में दिखेगा आपको। सो जेंटली डाल दीजिए, अदर एंड से वो बाहर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सिंपली उसको वापस क्रेडल में लगा देना है। तो इस तरीके से आप इसको वन साइड से जो है फिक्स कर सकते हो। और ध्यान रहे प्रॉपरली होल में डालिए, इनकेस आपको अगर सेफ्टी उसका एकदम भी प्रॉपर नहीं लग रहा तो आप ऊपर बेल्ट भी बांध सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो डबल साइडेड सेफ्टी है। एंड यहाँ से भी हम वैसे ही कर लेंगे, इस रॉड को निकाल लेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइट रहेगा क्योंकि मेटल का है पूरा, तो ईजिली निकलेगा नहीं बाहर। सो इसको निकालने के बाद हम सेकेंड साइड से भी डाल देंगे, छोटा सा आपको होल दिखाई देगा यहाँ से, मे बी आपको शायद विजिबल थोड़ा बहुत नहीं होगा बट आप समझ रहे हैं कि सेकंड साइड से कैसे डालना है। सो सेम जैसे हमने फर्स्ट साइड से डाला वैसे ही हम सेकंड साइड से भी डाल देंगे।
सो यहाँ पे आपका बेस पूरा जो है रेडी हो गया है विद जोली और फिक्स है, ये ज़रा भी डगमगाएगा नहीं, हिलेगा नहीं। एंड मैंने उसको लॉकिंग भी कर दिया है, यानी आप जैसे पालने में झूला झूलाते हो वैसा वो होगा नहीं, आप उसको निकाल भी सकते हो तो वो प्रॉपरली बाद में झूलेगा भी वैसा। सो ये देखिए, ये बेल्ट से मैं ऊपर भी बांध देता हूँ, यानी डबल सेफ्टी, आपको टेंशन नहीं लेना कुछ भी। एंड अगर आप चाहो, आपके पास सॉफ्ट कुशन का कुछ है तो आप उसके अंदर डाल सकते हो, गाड़ी वगैरह डाल सकते हो, तो बच्चे के लिए और भी लाइक थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा, स्मूथ होगा। सो अभी ये बिल्कुल ही स्टफ़ लाइक जो भी है एकदम ही स्टेबल है, बिल्कुल भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यहाँ से साइड से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे दो आपको जो क्लिप दिखेंगे उसको कॉम्पैक्ट प्रेस करना है, लॉक भी कर सकते हो, प्रेस करने के बाद जो है आप उसको नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो इसका हाइट छोटा हो जाएगा, सेफ है। और यहाँ पे दिख रहा है जो है इसका हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, तो ये नीचे आपको हाइट कम चाहिए तो कम भी कर सकते हो, साइड जो है एडजस्ट कर सकते हो, दोनों बाजू से आपको करना होगा। लगाना आप जैसे कि वैसे सेकंड साइड में के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों को क्या करना है साथ में जो है यहाँ पे प्रेस कर देना है। तो ये लॉक निकाल देता हूँ मैं एंड प्रेस कर देते हैं। अभी हाइट जो है इसका एकदम छोटा हो गया, और आप चाहो तो लॉक भी कर सकते हो तो स्टेबल हो जाएगा, नहीं तो अभी आप जो है ये जूमिंग पोजीशन पे रखा है ताकि झूला आप दे सकते हो बच्चे को। और इसमें जो चेन लगा हुआ है, मतलब बच्चा जो है बाहर भी नहीं आ सकता, वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो क्वालिटी वाइज भी मैं आपको बता दूँ, मेटल के रॉड्स है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, बिल्कुल भी ऐसा अनस्टेबल नहीं है, मटेरियल वाइज बहुत ही स्टेबल है एंड अच्छा है। और इजीली आप डिसमेंटल कर सकते हो, फोल्ड करके रख सकते हो और जब भी चाहो ओपन कर सकते हो, आपका स्पेस नहीं लेगा एंड इवन वॉशेबल है। बट आपको इसमें जो है रॉड के साथ जो मैंने पहले बेस बताया था उसके साथ आपको वॉश करना पड़ेगा, और जोली आप डायरेक्ट वॉश कर सकते हो उसको। सो मेन पार्ट तो जोली है, उसको आप वॉश कर सकते हो। तो अभी मैं निकाल देता हूँ, सो आप देखिए मैं किस तरीके से निकालता हूँ। पहले आपको जो है ब्रिज रॉड को निकाल देना है, तो कैप को हम ओपन कर देंगे और ब्रिज रॉड को निकाल देंगे। सो उसके बाद आप जोली को भी निकाल सकते हो। सो वो रॉड निकालना पड़ेगा आपको, जो मैंने रॉड आपको बताया था कैसे लगाना है जोली के साइड में जो दिया हुआ है। सो उसी रॉड को हम जो है निकाल लेंगे तो आपका ये जो है बाहर आ जाएगा पूरा। सो इसको साइड में रख देते हैं हम लोग, एंड यहाँ से हमने रॉड को निकालना है। अभी अभी ये जो है आपका सिंपली फुल्ली फोल्डेबल है, सो आप इसको अभी फोल्ड करके ईजिली रख सकते हो। ये देखा आपने, इस तरीके से आपको इसको बनाना है, बहुत ही सिंपल है और इजी, मतलब कॉम्पैक्ट है बेसिकली, तो आप इजीली फोल्ड करके रख सकते हो जब आपको यूज़ नहीं करना हो। सो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू एंड बाय बाय।